वो पत्नी रूपी लक्ष्मी, चाहे बच्चे रूपी लक्ष्मी, चाहे वो पैसा रूपी लक्ष्मी। ये भगवान के मार्ग से व्यक्ति को दूर कर देती है। मैं एक आपसे सत्य घटना कहूं, उसके बाद में मैं कथा के मूल प्रसंग में प्रविष्ट हूंगा। एक राजा था और वो बड़ा अन्यायी था, बड़ा चोर था। ध्यान से सुने भक्तों। अब वो जो गरीब लोग आपने देखे सोने के आभूषण सोने की दुकान पे गिरवी रख देते हैं, वहां से पैसा लेते हैं और कुछ दिन बाद ब्याज देकर के उसको छुटा लेते हैं। अब इस राजा का काम यह था कि गरीबों के आभूषण रखता था और पैसा दे देता था, और जब वो पैसा पैदा करके लाते थे छुड़ाना चाहते थे तो पैसा भी ले लेता था और आभूषण भी वापस नहीं देता था। बड़ा अन्याय था। उस समय भगवान कृष्ण को पता लगा मेरे होते हुए बड़ा अन्याय हो रहा है। इस राजा का एक नियम और था कि ये कभी भिखारी को भिक्षा नहीं देता था। इसने नौकरों से ये कह दिया था कि भिखारी कोई दरवाजे पर आए तो मेरे बिना पूछे भगा देना। बड़ा कंजूस था भाई बहन। भगवान कृष्ण ने विचार किया मेरे होते हुए इतना बड़ा अन्याय हो रहा है, अगर मैं कृष्ण बन करके जाऊंगा तो मेरे चरणों में लेट जाएगा, मैं उसको सुधार नहीं पाऊंगा, समझा नहीं पाऊंगा, जो झुक जाए उसको क्या समझाना है। अब भगवान ने विचार किया तो भगवान ने सिर का मुंडन करवाया और भगवान ने भिखारी का ही वेश बना दिया। अब राजा के दरवाजे पर पहुंचे। ध्यान दे भाई बहन, जब राजा के दरवाजे पर पहुंचे द्वारपाल खड़े हैं, बोले जाओ अपने महाराज से कह दो कुछ लेना है और कुछ देना है। अगर लेना लेना कहते तो द्वारपाल भगा देते। अब द्वारपाल बोले ये भिखारी है, ये क्या क्या देगा, ये महाराज से कुछ लेने ही आया है। अंदर गए। अब देखो एक बात याद रखना, चोर लुटेरे काले काफिर में दिमाग बहुत होता है, पुलिस वालों से ज्यादा दिमाग रखते हैं भाई बहन। हुआ ये कि ये राजा के पास में पहुंचे, बोले महाराज एक भिखारी आया हुआ है, वो कह रहा है राजा से कुछ लेना है और कुछ देना है। राजा ने समझा कोई छलने के लिए आ गया, कोई महापुरुष है। राजा बोला कह देना राजा किसी काम में व्यस्त है, आज नहीं कल मिलेंगे। द्वारपाल बाहर आए। भगवान कृष्ण तो तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, और बाप प्यारे से कहा बच्चों जो सब जाना तो भगवान से क्या छुपा हुआ है प्यारे भाई बहन। भगवान ने समझ लिया ये धोखा कर रहा है, झूठ बोल रहा है। द्वारपाल आए, बोले चले जाओ हमारे महाराज व्यस्त हैं, आज नहीं कल मिलेंगे। भिखारी के वेश में कृष्ण बोले कल मिलेंगे तो कोई बात नहीं, मिलके जाऊंगा, यहीं खड़ा रहूंगा, ना खाऊंगा ना पीऊंगा ना उठूंगा ना बैठूंगा, लेकिन राजा से मिलके जाऊंगा। द्वारपाल बोले बड़ी करी समस्या है, बोले ठहरो दोबारा पूछ के आते। फिर अंदर गए, बोले महाराज वो अभी जाने का नाम नहीं ले रहा है। तो राजा ने सोचा ऐसे तो जाएगा नहीं, तो राजा ने बहाना बनाया, बोले कह देना उस भिखारी से कहना कि राजा बीमार है, शायद बीमारी के बहाने से चला जाए। अब तन भगवान तो सब जान रहे हैं ना। द्वारपाल फिर बाहर आए, बोले भाई आप यहां से चले जाओ, हमारे राजा बीमार हैं। भगवान कृष्ण बोले बीमार हैं तो कोई बात नहीं, मैं डॉक्टर बहुत बढ़िया हूं, इलाज कर दूंगा, राजा से मिलवा दूंगा। देखो ये जीव है और वो ब्रह्म, भगवान कृष्ण ब्रह्म है, ये जीव जीव ब्रह्म से कितना छल करता है। द्वारपाल बोले रुको, फिर पूछ के आते। फिर अंदर गए, बोले महाराज अब भी नहीं जा रहा है, बीमारी के बहाने से भी नहीं जा रहा है, क्या कह रहा है। बोले मिलके जाऊंगा, मैं डॉक्टर बहुत बढ़िया हूं, इलाज कर दूंगा। राजा ने सोचा ऐसे तो जाएगा नहीं, बोले कह देना महाराज मर गए, अब मरने के बहाने तो जाएगा ही। द्वारपाल बाहर आए सजन, और वो भी भगवान है। हमारे बड़े बूढ़े एक बात कहा करते थे, बैठो बैठो कहा करे और कहा लगावे घात, और तोते पहले मैं चलो लय तराजू बाट। सो भैया बोले महाराज हमारे मर गए। भगवान कृष्ण बोले मर गए तो कोई बात नहीं, कांटी पे कस के लाओ, चार कंडा लाश पे डाल के जाऊंगा, जलवा के जाऊंगा, कर छल कितना करेगा भाई बहन। अब द्वारपाल बोले ठहरो। फिर अंदर गए, बोले महाराज अब मरने के माने से भी नहीं जा रहा है, क्या कह रहा है। बोले ये कह रहा है चार कंडा लाश पे डाल के जाऊंगा, जलवा के जाऊंगा। राजा ने सोचा कि चलो मुझे जिंदा कस लो कांटी पे, उसको विश्वास नहीं हो रहा, वो कसा हुआ टिकटी पे देख लेगा कांटी पे तो वो चला जाएगा, मैं अपने शमशान से उठ के घर आ जाऊंगा, पर मिलना नहीं है। चारों ने राजा को जिंदा कस लिया भाई बहन, और लेकर के चल दिए, पीछे पीछे भगवान कृष्ण जा रहे हैं। इस राजपुर के शमशान में आए और देखा जैसे ही वहां पर राजा को रखा, भगवान पीछे पीछे मुड़ के देख रहे हैं, भगवान तो आ रहे हैं। जब जैसे ही उस राजा को रख दिया, भगवान बोले द्वारपाल दूर हट जाओ, हमें तुम्हारे राजा से कोई बात करनी है। बोले महाराज ये तो मरे हुए हैं। भगवान बोले जीव की शमशान से ज्यादा कोई दौड़ होती है, दिल्ली जाओ बंबई कहीं भी चले जाओ, लेकिन अंतिम जाना शमशान है। हेलीकॉप्टर से चले जाओ, कार से चले जाओ,
बीएमडब्ल्यू से जाओ, फॉर्चुनर से जाओ, लेकिन अंतिम जाना उस लकड़ी पर, ये चार के कंधों पर, कोई गाड़ी काम आने वाली नहीं है प्यारे। कहां ले जाओगे? दूर हटाया और जैसे ही मुंह को खोला, राजा ने आंखें खोली, बोले महाराज मैं भिखारी हूं, मुझे भिक्षा दे दो। भगवान बोले, राजा बोला अरे मूर्ख भिखारी, अगर तुझे भिक्षा मांगनी थी तो भाई बोल देता, तूने मेरी जिंदगी का नाटक बना दिया, मेरे पास एक रुपया नहीं है। ध्यान दो भक्तों। बोले राजा आप तो राजा हो, आपके ऊपर नीचे बाहर भीतर सर्वत्र धन है, एक रुपया दे दो बस। बोले मेरे पास एक रुपया नहीं है। बोले नहीं नहीं एक रुपया दे दो, मेरे पास एक रुपया नहीं है। भगवान कृष्ण बोले अरे मूर्ख राजा, जब तू झूठे को मरा है तो एक रुपया साथ नहीं ला सका, और जब सत्य सत्य मर के जाएगा तो क्या लेकर के जाएगा। झूठे को मरा, एक रुपया साथ नहीं गया, और इसी तरह से सच मर के जाएगा तो क्या लेकर के जाएगा। बताया, बताया?